हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हमिता एंड लाइफ स्टाइल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ में समर स्पेशल मैंगो ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी है, देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका, और ये बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट में बनाएंगे घर में रखे हुए कुछ सामानों से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने मैंगो लिए हैं, 5 से 6 मैंगो लिया है यहाँ पर मैंने। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 कप शुगर लिया है, ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, प्लेन सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे शुगर को पाउडर बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ईजिली मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करना है, यहाँ पे जो हमने मैंगो लिए हैं इसको बॉयल करके लिया है मैंने। ये थोड़े से पके हुए मैंगो हैं पर टेस्ट में बिल्कुल खट्टे हैं, तो इसको मैं पील आउट करूँगी और इसका जो पल्प है उसको निकाल लूँगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो मैंगो हैं ये पक चुके हैं, लेकिन ये टेस्ट में बिल्कुल खट्टे हैं कच्चे आम जैसे ही। इससे क्या है, इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा टेंगी सा आएगा। तो इस तरीके से मैं सारे पल्प को निकाल लूँगी। अगर आपके पास पका मैंगो नहीं है तो आप कच्चे आम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिया है बाउल, उसके ऊपर रख दिया है एक स्ट्रेनर, और जो मैंने पल्प निकाल के रखा है उसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी इसको। तो मैं जो सारा पल्प निकाल के रखा था उसको इसमें डाल दिया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, और जो पल्प है उसको अच्छे से हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये ड्रिंक कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनने वाला है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो ये देखिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे शुगर पाउडर और कुछ स्पाइसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने शुगर पाउडर यूज़ किया है ताकि ये ईजिली घुल जाए। 1 कप यहाँ पे शुगर लिया है, शुगर पाउडर लिया है, 1/2 छोटे चम्मच प्लेन सॉल्ट, 1/2 छोटे चम्मच ब्लैक सॉल्ट, 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा इसमें मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं, पर इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है, हल्का सा तीखा, खट्टा, चटपटा, मीठा, और पीने में बहुत अच्छा लगता है ये। तो बस सारे स्पाइसेस को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये जो हमारा ड्रिंक है ये रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर चिल्ड वाटर यूज़ किया है इसलिए ऑलरेडी ठंडा है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो स्पाइसेस हैं सारे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमारा जो ड्रिंक है ये बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप ये कितनी आसानी से कितनी जल्दी बन गया, और ये पीने में इतना अच्छा लगता है कि बच्चे और बड़े सबको पसंद आता है। का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है, खट्टा मीठा, बिल्कुल चटपटा सा, और हेल्दी भी है। तो आप इस गर्मी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये पके हुए आमों की वजह से इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो आप चाहें तो कच्चे आम के साथ में 1 पका मैंगो यूज कर लें, उससे भी आपका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस हमारी जो ड्रिंक है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे जीरा पाउडर। और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा डालूंगी चिली पाउडर। तो
तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमारी ड्रिंक बिल्कुल रेडी हो गई है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।